दूसरे चरण में धनबाद से चलेगी कई महत्वपूर्ण ट्रेन और इस वीडियो अपडेट में हम जानेंगे धनबाद में कौन कौन सी ट्रेनों का संचालन शुरू होगा और रेलवे की यहां पर कौन सी तैयारी चल रही है। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब अवश्य कर दें, जिससे रेलवे का सारा न्यूज अपडेट आपको मिलता रहे। जैसा कि हम लोग जानते हैं, धनबाद से खुलने वाली दो तीन लंबी दूरी की ट्रेनों को छोड़ दिया जाए तो अन्य सारी ट्रेन ऐसी है जो कि पूर्व रेलवे से ही आती है। अब चाहे मुंबई मेल हो या देश के दूसरे हिस्से तक जाने वाली अन्य महत्वपूर्ण ट्रेन, सोमवार से मुंबई लोकल के पटरी पर लौटने के साथ साथ उम्मीदें बढ़ गई है। अब जल्द ही दूसरी ट्रेनों की लिस्ट धनबाद को मिल जाएगी और धनबाद से कई महत्वपूर्ण ट्रेन का संचालन फिर से शुरू होगा। पूर्व रेलवे ने ट्विटर पर यह जानकारी दी है और बताया है कि स्पेशल ट्रेन को छोड़कर अन्य ट्रेन चलाने की योजना अभी बनाई जा रही है। लंबी दूरी के साथ साथ उपनगरीय ट्रेनें भी फिलहाल नहीं चल रही है, लेकिन इसको भी फिर से शुरू किया जाएगा। इसके साथ ही धनबाद से मुंबई, पटना सहित देश के अन्य हिस्सों में यात्रा के प्लान बना रहे लोगों को बड़ा झटका लग सकता है। और यहाँ पर झटका लगने के साथ कुछ राज्यों के लिए ट्रेन चलेगी, लेकिन आपको लोकल ट्रेन देखने को नहीं मिलेगी। बता दें कि धनबाद से पटना के लिए गंगा दामोदर एक्सप्रेस व मुंबई जाने के लिए हावड़ा मुंबई मेल एक्सप्रेस को चलाने की मांग की जा रही है। रेलवे इस पर जल्द ही हरी झंडी देगी, लेकिन अभी तक इसकी तारीख तय नहीं की गई है। उम्मीद जताई जा रही है कि 1 जुलाई को इस ट्रेन पर बड़ा फैसला लिया जाएगा और अगर यह सफलतापूर्वक फैसला ले लिया जाएगा तो फिर आपको कुछ दिनों के अंतराल में इस सभी ट्रेन का संचालन आपको देखने को मिलेगा जो कि धनबाद होकर चलती है। आने वाले नेक्स्ट वीडियो अपडेट में कई और महत्वपूर्ण जानकारी हम लेकर के आएंगे। तब तक इस वीडियो को शेयर करें और धनबाद का कोई न्यूज देखना चाहते हैं या फिर सुनना चाहते हैं तो कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।